भगवान श्री कृष्ण का ध्यान सुख शांति और समृद्धि को देने वाला है। यह हमारे जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करता है और हम एक अभूतपूर्व आध्यात्मिक शांति का अनुभव करते हैं। हम किसी भी रूप में भगवान की उपासना करते हैं, उसमें ध्यान का बहुत महत्व होता है। ध्यान एक माध्यम है हमें भगवान से जोड़े रखने का। तो प्रतिदिन जो भी भगवान श्री कृष्ण के इस परम पवित्र स्वरूप का ध्यान करता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि और शांति का आगमन होता है तथा विपत्तियों, दुखों और नकारात्मक शक्तियों का ह्रास होता है। तो आइए श्री कृष्ण ध्यान में डूबकर एक आध्यात्मिक शांति का अनुभव करें। वृंदावन में श्री यमुना जी का तीर है, अशोक वृक्षों के नए नए पत्तों से सुशोभित कलिंदी कुंज में भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ विराजमान हैं। नवीन मेघ के समान श्याम आभायुक्त नीलवर्ण है। श्याम शरीर पर सुवर्ण वर्ण पीत वस्त्र ऐसा जान पड़ता है मानो श्याम घनघटा में इंद्रधनुष शोभित हो। गले में सुंदर वनमाला है, उससे सुंदर पुष्पों की और तुलसी जी की सुगंध आ रही है। हृदय पर वैजंती माला सुशोभित है। सुंदर काली घुंघराली अलके हैं जो कपोलों तक लटकी हुई है। अत्यंत रमणीय और त्रिभुवन मोहन मुखारविंद है। बड़ी ही मधुर हंसी हंस रहे हैं। मस्तक पर मोर के पंखों का मुकुट पहने हैं। कानों में कुंडल झलमला रहे हैं। सुंदर गोल कपोल कुंडलों के प्रकाश से चमक रहे हैं। अंग अंग से सुंदरता निखर रही है। कानों में कनेर के फूल धारण किए हुए हैं। अद्भुत धातुओं से और चित्र विचित्र नवीन पल्लवों से शरीर को सजा रखा है। वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह है। गले में कौस्तुभ मणि है। भौहें खिंची हुई है। लाल लाल होंठ बड़े ही कोमल और सुंदर हैं। बांके और विशाल कमल से नेत्र हैं। उनमें से आनंद और प्रेम की विद्युत धारा निकल निकल कर सबको अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं, जिसके कारण सबके हृदयों में आनंद और प्रेम का समुद्र सा उमड़ रहा है। मनोहर त्रिभुवन त्रिभंग रूप से खड़े हैं तथा अपनी चंचल और कोमल अंगुलियों को बंसी के छिद्रों पर हिराते हुए बड़े ही मधुर स्वर से उसे बजा रहे हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आप हमारे साथ इस धार्मिक यात्रा में बने रहिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारी नित्य नई वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। श्री कृष्ण भगवान की जय।